थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था जब हम कॉमन कोफिशिएंट ले रहे थे। कोफिशिएंट कैसे थे? एक जैसे। तो साइन का सीखे थे कि हम सेम साइन रहेगी तो क्या होगा, और अगर डिफरेंट साइन होगी कोफिशिएंट्स की तो हम उस टाइम पे ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि अगर सेम नहीं है तो सेम कैसे करते हैं, मतलब अगर सिंगल टर्म है। नाउ इन दिस एग्जांपल, अब यहाँ देखो इसे भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है अपने इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट -4 है और यहाँ वाई का कोफिशिएंट +2 है। मतलब यहाँ दोनों के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में कैसे है? डिफरेंट। बट हमारा एम है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए दोनों को कैसा करना होगा? सेम करना होगा। सेम करने के लिए अगर ऊपर कोई इक्वेशन रहता है, हम सेकेंड इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे दोनों ही इसको कोई ना कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है, और हमारा एम है कि इनको सेम करना है। पहले दे देते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम 4 को 2 इजीली नहीं बना सकते, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये भी चेंज हो जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि 2 को हम इजीली 4 बना सकते हैं। कैसे? यस, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। अगर इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 4, और दोनों सेम हो जाएगा। सुन में? अगर सपोज दोनों भी यहाँ पे अगर 3 रहता तो एक एग्जांपल लेंगे हम इसके बाद कि कैसा होगा अगर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कि हमने एक जैसा बनाना है, एक जैसा नहीं था, दोनों को भी इक्वेशंस है। अभी तक x और y का कोफिशिएंट क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। ठीक है, अब उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, एडिंग। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों की कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है। एडिंग 3 एंड 1, 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। नाउ आप ऐड कर रहे हैं, देन प्लस, दिस गेट कैंसिल, 13x इक्वल्स टू 6 प्लस 7, 13, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, 13 अपॉन 13, 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट 3 × 1 माइनस 4y इक्वल्स टू 7, 3 माइनस 4y इक्वल्स टू 7 माइनस 4y, 3 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? -3, मतलब -4y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू दिस -1। चेक कर लेना है अपना आंसर, यहाँ रख करते तो यहाँ पे अगर ये 1 ऑलरेडी है, यहाँ -1 रखो, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 4 7, यस उसमें करना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। यहाँ देखो ना, x एक जैसा एग्जाम्पल बन रहा है, x का कोफिशिएंट एक जैसा है और ना ही y का, है ना। लेकिन एक कॉमन चीज़ है कि दोनों के कोफिशिएंट अल्टरनेट है। अल्टरनेट मीन्स यहाँ x का कोफिशिएंट 15 है तो यहाँ y का कोफिशिएंट 15 है, यहाँ 7 का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 17 है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 17 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोफिशिएंट अल्टरनेट आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी आते हैं। यहाँ हम सबसे पहले करेंगे ऐड, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्स्ट स्टेप में हमें ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐड कर रहे हैं तो हमें अब 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11, ये हमने ऐड करना है। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर लो, कितना होगा? 7 प्लस 5 12 और ये 32x, सेम 32y, इसको भी ऐड कर लो तो ये भी क्या मिल गया आपको? 32। अब 32 कॉमन निकाल दी, मतलब डिवाइडिंग बाय 32 वी गेट x
प्लस वाई इक्वल्स टू वन, इक्वेशन नंबर उसको दे देते हैं हम कैपिटल ए। तो एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब स्टार्टिंग के आते हैं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें मालूम होना चाहिए कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। नाउ अब एक्स प्लस वाई हो गया, फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। कब करना है? अल्टरनेट रहे तो हमें ऐड करना है, ऐड करें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाए। सेकेंड टाइम हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन ऐड टू। सब्ट्रैक्ट करते टाइम ये ध्यान में रखो कि माइनस साइन का हमें थोड़ा परेशानी ना हो, कहीं ना कहीं तो झेलनी पड़ेगी। ठीक, तो ये आ जाएगा 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। कन्फ्यूजन ना हो तो हम यहाँ वन एंड टू एंड वन भी लिख सकते हैं, 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब हमें यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगी सबकी, 17 माइनस 15 2x दिस माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, अब ये सब टू के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, मतलब डिवाइडिंग बाय टू क्या मिलेगा हमें, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5। इसको दे दो बी, आगे समझ में, मतलब एक बार हमें प्लस की टर्म मिलने वाली है और एक बार माइनस, और हमारा एम क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब देखो वाई वापस मिल गया हमें, कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, अगेन एडिंग ए एंड बी, एन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू माइनस 4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2। अब x की वैल्यू माइनस 2 पुट करो, इक्वेशन ए या बी में कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन ए, देन माइनस 2 प्लस y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 प्लस 2, माइनस 2 उधर गया तो क्या हो गया प्लस 2, और ये हो गया 3, और फोर एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 2 3। ओके, एग्जाम्पल हम सॉल्व कर, ये एग्जाम्पल भी सेम वैसे ही है, देखो कोफिशिएंट अल्टरनेट है ना, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताया हमने कि हमें ऐड करना है, सबसे पहला काम रहेगा कि ऐसे टाइम पे हमें एडिंग करना है 1 एंड 2 को, तो वी गेट 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। ऐड करो, ऐड करोगे तो ये दोनों की एडिशन कितनी मिलेगी अपने 106x माइनस ये भी हो जाएगा 106y इक्वल्स टू 424। ऐड कर लिए हमने, अब 106 कॉमन है मतलब इसे हम डिवाइडिंग कैसे करेंगे 106 से, नाउ डिवाइडिंग बाय 106 वी गेट, अब हमने डिवाइड कर दिया तो यह आ गया x, दिस गेट माइनस, ये आ गया y, 1 हो गया कैंसिल हो गया, और 106 को 424 से अगर हम डिवाइड करते हैं हमें क्या मिलेगा, देखो 106 है 424 है, अब इसको टेबल से हम बना सकते हैं कि 6 के टेबल में 4 यूनिट प्लस 4 कौन से इस पर आता है सबसे पहले 4 पर, 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24 ये 0, 4 1 24 टू कैरी 4 6 24 टू कैरी 4 0 यानी ये 2, 4 1 4 मतलब कितना आंसर आ रहा है अपना 4, इसको देंगे इक्वेशन नंबर। ठीक है, ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने बड़े इसको डिवाइड करने के बाद टेबल कैसे फॉर्म होता है। ना मिल गया हम इक्वेशन, ही एडिंग कर ली, एडिंग के बाद क्या होती है सब्सट्रैक्शन, ना सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या 2 एंड 1, क्योंकि जो डेटा नंबर है उसको ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट करने में, माइनस 49y इक्वल्स टू 252 माइनस 49x माइनस 57y
इक्वल्स टू 172, हम कर रहे हैं क्या, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये होगा माइनस। ना माइनस करने में 49.57 माइनस किए तो कितना होगा 8x, यहाँ पे आएगा प्लस 8y, बड़े ग्रेटर नंबर को प्लस की साइन है, ठीक है। साइंस का ध्यान प्लस माइनस सबसे ज़्यादा बेसिक में आपको वही ध्यान रखना है कि प्लस माइनस कहाँ आ रहे हैं। इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा ये 220, और ये आ जाएगा 80, ठीक है। नाउ 8 कॉमन, डिवाइडिंग बाय 8, वी गेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब इसके आगे आपको आता है अच्छे से, आगे का आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर सेंड करना है, आपके आंसर्स क्या आते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो है 1.1, इसका 6 नंबर का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, टेक्स्ट बुक में आपने क्वेश्चन देख लेना है इसका। नाउ अगेन, अब यहाँ पे कुछ चेंज है कि आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में टर्म है, तो भी क्या हुआ, ये तो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या रहती है आपको स्टार्टिंग में बताया थे, पहले से हमें लीनियर इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। फिर भी इसको इक्वेशन तो देना ही पड़ेगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। हम 1 को लीनियर पूरा बनाने के लिए ये 3 नहीं चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है 3, 3 से इजीली हम इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, वी गेट यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 3 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3y, इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 कैंसिल, क्या बचा 10, इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यस 4 से, डिनोमिनेटर में क्यों क्या है 4 है, 4 कैंसिल करना है अपने को, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें हमने 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल, बचेगा क्या y इक्वल्स टू, यहाँ 4 कैंसिल किए तो यहाँ ये बचेगा 11, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे आप, अब तो हम कर सकते हैं गुणा, है ना, या तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने बताया है कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए x का या y का, इजीली हम कर सकते हैं y का करो, ये सेम साइन कैसी है, सेम है, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, कर सकते हो ये भी, यस आप कर सकते हो, आपको करना है और आंसर्स सेंड करने हैं मुझे।